अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के नाम का ऐलान हो चुका है। न्यूज नेशन के पास सदस्यों के नाम की एक्सक्लूसिव जानकारी है। जो नाम इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नाम हैं जो राम मंदिर की ट्रस्ट के सदस्य होंगे। जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद, साथ ही साथ पटना के कामेश्वर चौपाल के परासरन वरिष्ठ वकील, जिन्होंने लगातार अयोध्या के मामले को अदालत में पहुंचाया, लंबी लड़ाई लड़ी। इस तरीके के कई अहम नाम हैं जिनके नाम की जानकारी न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वो तमाम चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में ये वो सदस्य होंगे जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किस तरीके का होगा, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से आगे जो मंदिर की पूरी ट्रस्ट है उसका कामकाज होगा, इसको लेकर काम करेगी ट्रस्ट। सीधा रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, इन सदस्यों का क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिहाज से? देखिए, मंदिर निर्माण इन्हीं को करना है और इसीलिए सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है, प्रमुख बनाया है, पहले नंबर पे रखा है, जो के परासरन है। 90 साल से ज्यादा की उम्र है, सभी धार्मिक जो ग्रंथ है उन्होंने पढ़े हुए हैं और साथ ही साथ राम जन्मभूमि पर मैराथन उन्होंने पैरवी की है। इसके अलावा जो प्रमुख लोग हैं उसमें कामेश्वर चौपाल, क्योंकि सरकार चाहती थी कि बार बार हिंदू धर्म से जुड़े हुए संगठनों पर आरोप रखता है कि वो दलितों को जगह नहीं देते हैं, इसीलिए कामेश्वर चौपाल जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पटना में रहते हैं, चौपाल के रहने वाले हैं और 1990 में जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब वो एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर उसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, रुतंबुरा के गुरु युग पुरुष परमानंद, गोविंद देव गिरी पूना के हैं, पेंजावर पीठ के स्वामी विश्वेश तीर्थ जो ज्यादातर बीजेपी के नेताओं के गुरु रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट में होंगे। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लोकल यानी फैजाबाद के डीएम, स्टेट लेवल से एक सेक्रेटरी, राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, फैजाबाद में रहते हैं, सोशल वर्कर है। सरकार का एक ही पैमाना था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जिस पर किसी भी तरह के फाइनेंशियल बंगलिंग यानी करप्शन के एलिगेशन हो, इसीलिए ऐसे लोगों को चुना गया है जो बिल्कुल किसी भी तरह दूर दूर तक चिमटे से भी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार ने इसमें नृत्य गोपाल दास को जगह नहीं दी है, चंपत राय जी को जगह नहीं दी है। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लेकिन इन पर कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर अलग अलग मामलों के, और ज़्यादातर उसमें से राम जन्मभूमि में जो कार सेवा हुई थी, जो वहाँ पर डिमोलिशन हुआ था, उससे जुड़े हुए थे और उसी के आधार पर सरकार ने इन लोगों को ट्रस्ट से बाहर रखा है। सरकार ने ट्रस्ट से राजनीतिक लोगों को भी बाहर रखा है ताकि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल न कर पाए। अनुराग, बिल्कुल, तो राजनीतिक इस्तेमाल ना किया जाए इस बात का भी ध्यान रखा गया है सरकार की तरफ से। ये वो नाम है जो न्यूज नेशन की तरफ से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज नेशन के पास है उस ट्रस्ट के 15 सदस्यों की, जिनकी अब जिम्मेदारी होगी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा ये तय किया जाए।